हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीकेंड व्लॉग। एक और खूबसूरत दिन की शुरुआत। दिन तो सब एक ही जैसे होते हैं, लेकिन उनका खूबसूरत होना या ना होना देखने वाले की विजन पे डिपेंड करता है, और विजन हमारे माइंड में चल रही थॉट्स ही बनाती हैं। सो डे है सैटरडे, और 365 डेज मेरे हर दिन की शुरुआत लेमन वाटर के साथ। उसके बाद मेरी फेवरेट चीज़ माय वर्कआउट रूटीन। रात को ही रेडी हो जाती है नेक्स्ट डे किए जाने वाले कामों की सारी लिस्ट, लेकिन फिर भी अगर उसमें से कुछ काम रह जाएं तो चलता है, लेकिन अपनी हेल्थ को निग्लेक्ट करना मुझे बिल्कुल भी नहीं चलता है। हमारा हर ऑर्गन ठीक से काम करता रहेगा, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत ही कोऑपरेटिव है। बस बदले में वो हमसे दिन का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा एक्सरसाइज के लिए मांगती है। एक्सरसाइज वेट लॉस के लिए ही की जाती है, ये कॉन्सेप्ट टोटली रॉन्ग है। एक्सरसाइज हमें इसलिए करनी है ताकि हमें हमेशा ये एहसास रहे कि हम खुद की केयर करते हैं। आप कोई भी वर्कआउट रूटीन फॉलो करते हो, लेकिन आफ्टर वर्कआउट बॉडी को रिलैक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी ब्रेथ पे फोकस करें एंड फॉरगेट एवरीथिंग। वीडियो हाउ टू कीप योर माइंड हेल्दी में मैंने कुछ मेडिटेशन टिप्स शेयर किए हैं, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एक्सरसाइज करने से पहले दाल चढ़ा के गई थी, क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट नहीं डायरेक्ट लंच ही रेडी करना है। लॉकडाउन में सबकी ईटिंग हैबिट्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। लॉकडाउन से पहले हमारा ब्रेकफास्ट टाइमिंग 8:30 to 9 के बीच में था, लेकिन लॉकडाउन के बाद ब्रेकफास्ट 11 बजे होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से हमारा लंच और डिनर दोनों लेट होने लगे। डिनर लेट होना बहुत ही गलत है, और इसीलिए फैमिली के साथ डिस्कस करके हमने ये डिसाइड किया कि ब्रेकफास्ट सिर्फ पापा और मम्मा के लिए बनेगा, क्योंकि लोग ब्रेकफास्ट स्किप करेंगे। लेकिन मम्मा का डिसीजन था कि वो भी डायरेक्ट लंच ही करेंगे, तो अब ब्रेकफास्ट सिर्फ पापा के लिए बनता है। तो मैं बना रही हूँ आज लंच में दाल मखनी साथ में राइस। तो सबसे पहले सारे सूखे मसाला जैसे तेज पत्ता, लौंग, दालचीनी, छोटी इलायची वगैरह डाला। उसके बाद प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर, और उसके बाद सारे पाउडर मसाला जैसे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर और टर्मरिक पाउडर। जब तक टमाटर अच्छे से गलेंगे तब तक मैं चावल भी बना लूंगी, और 11 बजे के करीब मम्मा, कुलदीप जी और उदय लंच कर लेंगे, और 12 बजे करेंगे मैं और जैस्मिन, क्योंकि मैं और जैस्मिन इंटरमीटिंग फास्टिंग कर रहे हैं। पापा का ब्रेकफास्ट टाइम हो गया है, तो पहले मैं उन्हें ब्रेकफास्ट दे दूंगी और बाकी का काम मेरा साथ के साथ चलता रहेगा। मसाला अच्छे से गल जाए उसके बाद इसको ग्राइंड करके इसका पेस्ट रेडी कर लेना है, और उसके बाद इसमें डाल देनी है बॉयल की हुई दाल। तो दाल मैंने डाल दी है, 3 से 4 मिनट इसे कवर करके मैं और पकाऊंगी, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे क्रीम, या फिर आपके घर में जो मलाई होती है उसके भी 2 चम्मच फेंट के आप इसमें डाल सकते हैं। तो काम मेरा फिनिश हो गया है, चपातियाँ बना दी हैं, चावल रेडी हैं, और दाल तो मेरी रेडी हो ही गई है। सैलड में खाना खाने से जस्ट पहले ही काटूंगी। 9 to 9:30 के बीच में मेरा कुकिंग पार्ट खत्म हो जाता है, और उसके बाद मैं शुरू करती हूँ अपना क्लीनिंग पार्ट। कुलदीप जी गोडाउन में एक राउंड लगाने जाते हैं, जब तक वो वापस आते हैं तो ऑलमोस्ट मेरी क्लीनिंग भी डन हो चुकी होती है। आप सब तो जानते ही हैं कि क्लीनिंग में हमेशा पार्ट्स में करती हूँ, क्योंकि पार्ट्स में क्लीनिंग करने से आपके घर का हर एरिया 1 by 1 क्लीन हो जाता है। वाइज एक पर्टिकुलर एरिया क्लीन होते हुए भी डेली क्लीन होता है, और कुछ एरियाज कंटिन्यूसली निग्लेक्ट होते जाते हैं। मैंने अपनी एक क्लीनिंग वीडियो में शेयर भी किया था कि एक रूम क्लीन करने के साथ साथ डेली एक लार्ज विंडो और एक डोर में क्लीन करती हूँ, कि मंथ में एक बार पूरे घर के विंडोज और डोर्स में क्लीन करूँ, मुझे वो एक्स्ट्रा बर्डन लगता है। उसके बजाय अगर डेली एक विंडो और डोर क्लीन कर दिया जाए तो बर्डन भी कम होता है और डोर ज़्यादा गंदे भी नहीं होते हैं। तो लीजिए, हो गई है मॉर्निंग मेरे सोल्जर्स की भी। बच्चे भी आजकल अपनी नींद पूरी कर रहे हैं, उदय भी उठ गया है, और जैस्मिन नीचे एक्सरसाइज कर रही है।
जैस्मिन भी आजकल मेरे साथ इंटरमीटेंट फास्टिंग ट्राई कर रही है और मैंने उसे इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि अगर आप साथ में वर्कआउट भी करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो इसलिए सुबह उठते ही वो पहले अपना वर्कआउट फिनिश कर लेती है और उसके बाद अपना बेड सेट करती है, क्योंकि अपने रूम को सेट रखने की ड्यूटी सबकी खुद की ही है। आजकल खाने पीने की जो भी चीज़ें बाहर से आती हैं, वेजिटेबल्स हों या फ्रूट्स हों, उनको भी हम कुछ देर के लिए बाहर ही छोड़ देते हैं, डायरेक्ट किचन में लेके नहीं जाते हैं। अब इनको मैं वॉश करूँगी, सॉल्ट वाटर में से सोक करके रखूँगी, उसके बाद हम इसे यूज़ करेंगे। हस्बैंड अगर बाहर जाते भी हैं तो पूरे प्रिकॉशंस के साथ, और आते ही अपने हाथों को सैनिटाइज करते हैं, कपड़े चेंज करते हैं और उसके बाद खाना खाते हैं। पीछे कुलदीप जी के बाहर से आते ही स्टफी उनके पीछे हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि उसे पनीर मिलेगा। जितना उसे पनीर खाना पसंद है, उतना ही कुलदीप जी को उसे पनीर खिलाना पसंद है। तो चलिए फटाफट से सलाद भी रेडी कर लेते हैं। एक बाउल में थोड़ी सी मस्टर्ड सॉस डाली है, साथ ही लेमन जूस डाल दिया है, ब्लैक सॉल्ट ऐड किया है, साथ ही ब्लैक पेपर, और एक स्पून डालेंगे हम ऑलिव ऑयल का। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और उसके बाद डालेंगे अपनी पसंद की वेजिटेबल्स, जो पहले मैंने पत्ता गोभी डाली है। उसके बाद आप डाल देंगे इसमें खीरा, टमाटर डाले हैं कटे हुए, साथ ही स्प्रिंग अनियंस डाल दिए हैं, आप चाहे तो इसमें शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। तो बस एक अच्छा सा इसको मिक्स दे दें तो बहुत ही यम्मी सैलड आपका रेडी हो जाएगा। आप इसे एक बार बना के देखिएगा, जितना ये देखने में टेस्टी लगता है उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में टेस्टी है। तो अब ये तीनों लोग खाना खाएंगे और मेरा और जैस्मिन का खाना खाने का टाइम अभी नहीं हुआ है, मेरा क्लीनिंग पार्ट भी थोड़ा सा बाकी है। अभी मुझे एक वॉशरूम क्लीन करना है और उसके बाद मैं शावर लूंगी, देन हम खाना खाएंगे। को गम्मू लग रहे हैं, गम्मू लग रहे हैं स्टेफू को, चच में गम्मू लग रहा है, गम्मू लग रहा है, उसे नींद आ रही है, नींद आ रही है, सोया नहीं है सारी रात। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक डोर और एक विंडो मैं डेली क्लीन करती हूँ, इसी तरह से वॉशरूम क्लीनिंग को भी मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया है। डेली मैं एक ही वॉशरूम क्लीन करती हूँ, डेली हम सारे वॉशरूम क्लीन नहीं कर सकते हैं, और इसके हिसाब से जो वॉशरूम मैं आज क्लीन कर रही हूँ उसकी टर्न दोबारा फोर्थ डे आएगी। और इस तरह से जब हम अपनी क्लीनिंग को कैटेगराइज कर लेते हैं तो घर छोटा हो या बड़ा हो, घर साफ भी रहता है और क्लीनिंग करना ईजी भी रहता है। घर में मदर हों या मदर इन लॉ, अगर वो एक्टिव हैं, सपोर्टिव हैं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आपका कोई भी काम पेंडिंग होने वाला नहीं है। और यहाँ बहुत ही सीरियस कॉन्वर्सेशन चल रही है फादर और डॉटर में, उस चीज़ को लेके जिससे हम सब आज गुजर रहे हैं। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि ये सब भी होगा और ये कितना लंबा चलेगा कोई पता नहीं। तो शार मैंने ले लिया है, जैस्मिन भी आ गई है फ्रेश होके। उससे पहले हम लोग फ्रूट लेंगे। जब भी आप अपना फास्ट ब्रेक करते हैं तो सबसे पहले आपको फ्रूट खाना चाहिए ताकि आपकी बॉडी को गुड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन मिले। फ्रूट खाने के बाद 15 मिनट हम लोग वेट कर लेते हैं और उसके बाद अपना लंच ले लेते हैं। जल्दी ही मैं एक वीडियो बनाऊंगी और इंटरमीटिंग फास्टिंग पे अपने व्यूज शेयर करूंगी। तो लंच डन हो चुका है, तो ऑलमोस्ट सुबह के सारे काम मैं ख़त्म कर चुकी हूँ और अब काफ़ी टाइम तक हम लोग फ्री रहते हैं। तो मैं और जैस्मिन इस टाइम बैठ के कमेंट्स के रिप्लाई कर रहे हैं। हमारी हमेशा पूरी कोशिश होती है कि हम सबके कमेंट्स के रिप्लाई कर सकें, लेकिन बहुत कमेंट होते हैं गाइस, तो कुछ कमेंट्स शायद रह भी जाते हैं और आप लोगों की कंप्लेंट भी होती है कि आप हमारे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हम कभी किसी कमेंट को कैटेगराइज़ नहीं करते हैं, सबके कमेंट्स का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर आप पर्सनली मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर मैसेज सेक्शन में ही अपना क्वेश्चन डालें। और शाम को टी टाइम से पहले मम्मा मटर छील रहे हैं और मैं सब्जियां निकाल रही हूं जो मैंने पानी में सोख करके रखी थी।
शाम को टी टाइम तक सबको भूख लग चुकी है, तो चलिए फटाफट से कुछ स्नैक्स बना लेते हैं। कुछ प्याज काट लिया है मैंने बारीक बारीक, कुछ लहसुन और अदरक काट लिया है, साथ ही हरी मिर्च काट ली है। एक चम्मच ऑयल डाल के इन सबको हम थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। उसके बाद सॉल्ट डाला है, टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा मैंने जीरा पाउडर भी इसमें ऐड किया था। इसमें बॉयल किए हुए थोड़े से आलू डाल देने हैं मैश करके, और थोड़ा सा इसको रोस्ट कर लेना है। चाहे तो थोड़ा सा इसमें गर्म मसाला भी ऐड कर सकते हैं, मिक्सचर रेडी हो जाएगा। और बाहर बहुत ही प्यारा सा मौसम बन गया है। दो दिन से टेम्परेचर काफ़ी हाई चला गया था, लेकिन अब वापस से नॉर्मल आ गया है। मैं चाय रेडी कर रही थी और जैस्मिन यहाँ सबके लिए टोस्ट रेडी कर रही है। तो उसके लिए ब्रेड स्लाइस लेना है और एक साइड पे उसकी ग्रीन चटनी लगानी है, और जो आलू मिक्सचर हमने रेडी करके रखा है उसके ऊपर अप्लाई कर देना है। और बस हम तवे के ऊपर थोड़ा सा बटर लगाएंगे और इन सबको सेक लेंगे। लेकिन ख्याल रहे कि इनको लो फ्लेम पे हमने कवर करके सेकना है, जिससे काफ़ी क्रिस्पी बनेंगे। उसके बाद अलग से मैं इसके ऊपर प्याज और टमाटर काट के डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं। आप इसके ऊपर टमाटो केचप डाल सकते हैं, चाहे तो नमकीन सेव होती है वो आप ऐड कर सकते हैं, तो ये टोटली आपकी चॉइस है। तो अभी 5 to 6 hours हमें खाना खाए हुए हो चुके हैं, तो भूख लगना ऑब्वियस है। तो इस तरह से अगर हम एक एक टोस्ट भी ले लेते हैं तो सेटिस्फेक्शन हो जाती है। अगर कुछ ना खाएं तो फिर रात को ओवर ईटिंग होगी। ये चेहरा काम कहाँ से लाओगे, बुड्ढों का जैसे चेहरे होते हैं? नहीं, अभी तो तुम टीनेज में हो। तो बस टी टाइम के बाद मौसम का मज़ा लेने के लिए और थोड़ी वॉक करने के लिए सब लोग निकल गए थे बाहर। एक बार थोड़ी बारिश हो भी चुकी थी, लेकिन अभी भी बारिश के काफ़ी आसार थे। वीकेंड का डिनर थोड़ा स्पेशल होता है, तो इसलिए मैं उसकी प्रिपरेशन के लिए अंदर ही रुक गई थी। मैं आज चिकन टिक्का बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने एक ग्राइंडर जार में थोड़ा सा पुदीना डाला है और हरी मिर्च डाली है, प्याज डाल दिया है थोड़ा भुना हुआ। इस तरह से मैंने इसको जूलियंस में काट के हल्का ब्राउन कर लिया था, और उसके बाद उसमें ऐड कर लिया, थोड़ा सा दही उसमें डाला है, साथ ही काजू डाले, और बिना कोई पानी ऐड किए इस तरह से इसका एक पेस्ट रेडी कर लेना है। और चिकन लिया है बोनलेस यहाँ पे मैंने, और उसमें सॉल्ट डाला है, ब्लैक पेपर डाला है, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, और साथ ही वो पेस्ट हमने डाल दिया है। और उसके बाद डाला है मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ी सी मैंने यहाँ पे मलाई ऐड की है, आप क्रीम या मलाई कुछ भी ऐड कर सकते हैं। और चिकन को अच्छे से इसमें कोट करके 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। गर्मी के मौसम में बारिश का आना किसी ट्रीट से कम नहीं होता, एंड क्लाउड्स वर लुकिंग सो 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 ब्यूटीफुल। जहाँ ये मौसम गर्मी से राहत देता है, वहीं फसलों को नुकसान भी पहुँचाता है, और बारिश बहुत ज़्यादा हो जाए तो उनकी साल भर की मेहनत बर्बाद हो जाती है। लेकिन बारिश का आना ना आना कुदरत के हाथ में है, सो जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं उन्हें एज इट इज़ एक्सेप्ट करने के सिवा हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। आज डिनर वीकेंड स्पेशल है, तो कैलोरीज तो काउंट नहीं होंगी, तो मम्मा वेजिटेरियन है तो उनके लिए बना रही हूँ मैं पालक पनीर। जीरा डाला है सबसे पहले, और साथ ही छोटी इलायची डाली थी, थोड़ा सा गार्लिक डाल दिया है कटा हुआ, थोड़े से अनियंस डाले हैं कटे हुए, साथ ही कुछ टमाटोज भी काट रही हूँ मैं, टमाटोज भी इसमें ऐड कर दूंगी। सॉल्ट ऐड किया है, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर, साथ ही थोड़ा सा किचन किंग मैंने इसमें डाला है। टमाटर डाल दिए हैं कटे हुए, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पालक प्यूरी आज मेरे पास फ्रिज में नहीं है, तो मैं थोड़े से पालक के पत्ते गार्डन से काट के ले आई थी, तो बस इनको कट करके मैं एज इट इज इसमें डाल दूंगी। टमाटर और पालक को हम अच्छे से सॉफ्ट होने देंगे, कवर करके इसको 4 से 5 मिनट पकने दें, उसके बाद मैं इसको ग्राइंड करूंगी। पालक और टमाटर अच्छे से गल चुके हैं, लेकिन इस मिक्सचर को ग्राइंड करने से पहले मैं इसको पंखे के नीचे रखूंगी, ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए और ग्राइंड करना ईजी रहे। तो अभी आप देख सकते हैं 3 बर्नर ऑन है, एक में पालक पनीर बन रहा है, एक में स्टफी के लिए चिकन और राइस बन रहा है, और एक तरफ मैं चिकन मसाला बना रही हूँ। रूटीन में हम लोग 8 बजे तक डिनर कर लेते हैं, लेकिन सैटरडे को थोड़ी वैरायटी ज़्यादा होती है, बनने में भी टाइम लग जाता है, इसलिए डिनर थोड़ा लेट हो जाता है। तो पालक में पनीर मैंने काट के डाल दिया, और उसके बाद से इसमें डाल देंगे हम थोड़ी सी क्रीम या मलाई, तो बस पालक पनीर रेडी है। जितनी ज़्यादा वैरायटी आप बनाते हैं तो किचन उतना ही ज़्यादा मैसी हो जाता है, और मैसी किचन में काम करते करते इतनी नेगेटिविटी आने लगती है। सो जो सामान नहीं चाहिए उसे साथ साथ अगर उठा लिया जाए तो मैस थोड़ा कम हो जाता है, काम करना उतना ही ईजी हो जाता है।
लास्ट में बना रही हूँ चिकन टिक्का जो हमने पहले से मैरिनेट करके रखा है। शैलो फ्राई करूँगी इसको, डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। साथ में उदय की हेल्प ले रही हूँ क्योंकि मुझे अभी डो भी रेडी करना है चपाती के लिए, क्योंकि चिकन बोनलेस है तो इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 4 से 5 मिनट आपको एक साइड से और 4 से 5 मिनट दूसरी साइड से पकाना है और बस चिकन टिक्का रेडी हो जाएगा। फ्रूट काटने का काम कुलदीप जी ने मम्मा को दे दिया है, तो मम्मा फ्रूट काट रहे हैं जब तक कुलदीप जी जूस रेडी कर रहे हैं। और पापा को खाना मैंने दे दिया है क्योंकि पापा जल्दी खाना खा के जल्दी सो जाते हैं। ड्रिंक में बना रही हूँ मैं आज लेमन सोडा, तो पुदीना डाला है मैंने थोड़ा सा क्रश करके, साथ ही डाल दिया जीरा पाउडर, ब्लैक सॉल्ट ऐड किया है, ब्लैक पेपर डाला है, थोड़ा सा हम इसमें लेमन डाल देंगे और उसके बाद डाल देंगे इसमें सोडा। तो लीजिए रेडी हो गया लेमन सोडा। जो लोग लेमन सोडा नहीं पियेंगे वो लोग जूस पियेंगे, तो आज हमारे पास जूस में सिर्फ गाजर थी, तो कुलदीप जी बना रहे हैं गाजर का जूस। तो लीजिए टेबल लग चुका है और वीक में एक बार एक दिन फूड में थोड़ी सी वैरायटी बना के सारी फैमिली का एक साथ कोई मूवी देखते हुए डिनर को एंजॉय करना काफ़ी गुड फील करवाता है। लॉकडाउन का ये पीरियड हो सकता है थोड़ा लंबा चला जाए, बट पेशेंस बना के रखें और फैमिली के इन्वायरमेंट को खुशनुमा बनाए रखें। आप सबकी ये शिकायत रहती है कि मैं वीडियोस बहुत लेट अपलोड करती हूँ, तो आप सबकी ये शिकायत दूर करने की मैं पूरी कोशिश करूँगी, लेकिन मेरे साथ अपना प्यार प्लीज़ बनाए रखें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।